मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद 1990 के दौरान ब्रिटेन में भी जिहाद फैलाने की कोशिश कर चुका है। बीबीसी रेडियो की डॉक्यूमेंट्री द डॉन ऑफ ब्रिटिश जिहाद में हाफिज सईद के बारे में ये खुलासा किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि हाफिज सईद मुसलमानों को भड़काने के लिए 1995 में ब्रिटेन आया था। हाफिज ने इस दौरान मस्जिदों में भाषण देकर मुसलमानों से जिहाद के लिए खड़े होने की अपील की थी। हाफिज के इस दौरे के बारे में लश्कर की मैगजीन में भी छापा गया था। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि बर्मिंगम में एक स्पीच के दौरान हाफिज ने हिंदुओं के खिलाफ भी भड़काऊ बातें कही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेस्टर में हाफिज ने 4000 ब्रिटिश मुस्लिमों को उकसाने के लिए जिहाद पर बात की थी। हाफिज ने ग्लासगो की मुख्य मस्जिद में भी एक रैली को संबोधित किया था। हाफिज ने भड़काऊ भाषण में कहा था, यहूदी मुसलमानों की जिहाद की भावना को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण ब्रिटेन में मंगलवार को किया गया था। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में अलगाववाद का पाठ पढ़ाने वालों को कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा में सीएम ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना सख्त लहजे में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कुछ भी मिलेगा वो इसी मुल्क से मिलेगा। मैं आज रिकॉर्ड पे ये बात लगाना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं, मेन स्ट्रीम और आउटसाइड मेन स्ट्रीम, जो मिलने वाला है इसी मुल्क से मिलेगा और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। विधानसभा में अपने भाषण के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जीएसटी के मुद्दे को भी उठाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में एक साथ जीएसटी लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी आपसी सहमति से जीएसटी को लागू करने की कोशिश की जाएगी।